वेलकम बैक माई चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप सभी अच्छी होंगे। और आज है हमारे यूपी बिहार में जूतिया फेस्टिवल होता है, मीन्स पर्व होता है, जिसमें हम लोग फास्टिंग रहते हैं। तो आज उसका नहा खा है। तो नहा खा तो मैंने सुबह में कर लिया था, लेकिन आज हम लोग कुछ पकवान बनाते हैं ना? तो आज हम लोग कुछ पकवान बनाते हैं, क्योंकि सुबह में दो तीन बजे उठ के ना जो हमारे पूर्वज होते हैं, और कुछ ऐसे करके ना उन लोगों को खाने के लिए बाहर रखना होता है। तो उसके लिए हम लोग को पकवान वगैरह बनाना पड़ता है, सब्जी वगैरह बनाना पड़ता है। तो मैं भी अभी वही सब तैयारी कर रही हूँ और वही बनाना है। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और बच्चे भी उधर खेल रहे हैं। तो अभी मैं सब्जी बनाऊंगी पहले, और उसके बाद फिर पकवान बनाना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई रखती हूँ, तो मैंने दोनों साइड दो कढ़ाई रख दिया है। तो मैं इस वाइट वाली कढ़ाई में मैं बनाऊँगी तोरी की सब्जी, जो कि आज के दिन हमारे लिए बनता है। हम लोग आज के दिन उसकी सब्जी ज़रूर ही खाते हैं। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और तड़के में जीरा और सूखी लाल मिर्च मैं डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं इसमें तोरी डाल दे रही हूँ। और फिर इसमें मैं हल्दी और नमक साथ में ही डाल दूँगी, और फिर इसे हम लोग ढक के पकाएंगे। बस इसे हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे, और ये ऐसे ही पकती है। और ये आज का नियम होता है कि इस दिन इसकी सब्जी ज़रूर खाते हैं। हम लोग की साइड में थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है, लेकिन यहाँ बेंगलोर में यही मिलता है, तो मैं यही बना रही हूँ। और यहाँ पे दूसरी साइड इस कढ़ाई में मैं छोला बनाऊंगी। तो मैं पहले से ही छोले को बॉईल करके रखी हूँ, बस मुझे बनाना है। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं कढ़ाई में ऑयल डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, और फिर इसमें मैं जीरे का तड़का डाल दे रही हूँ। और फिर मैं इसमें थोड़ी सी गर्म मीन्स दालचीनी का एक टुकड़ा मैं डाल दे रही हूँ। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी हींग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, जो कि मैं बारीक काट के रखी थी, और बाकी प्याज का मैं पेस्ट भी बना के रखी हूँ, तो मैं पेस्ट का भी यूज़ करूँगी। तो जैसे ये थोड़ा सा भूंग जाएगा, वैसे मैं पेस्ट डालूँगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी प्याज देखिए भूंग गई है, और फिर मैं ये पेस्ट डाल दे रही हूँ। तो मैं एक मीडियम साइज़ प्याज का मैं पेस्ट बनाई थी, और हाफ प्याज मैं कट की थी सिर्फ तड़के में डालने के लिए, क्योंकि मैं इसमें टमाटर नहीं डाल रही हूँ। और इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं है, ख़त्म हो गई थी, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैं मंगा लूँ। और बस दूसरी साइड की भी मैं सब्ज़ी चेक कर ली हूँ, और इधर भी मेरी प्याज भूंग गई है। तो मैं इसमें अब मसाले डाल दे रही हूँ। तो पहले मैं इसमें वही हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल के, और हल्का सा पानी डाल के मैं मसालों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और उसके बाद जब मसाले भूंग जाएंगे, और फिर मैं इसमें बाकी चने डालूंगी। तो मैं इसमें अभी नमक भी डाल दी हूँ, और प्याज के साथ ही मैं इसमें अदरक और लहसुन मैं ग्राइंड कर ली थी, तो मैं अलग से नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्याज के साथ ही उसमें ग्राइंड कर ली थी मिक्सर में। और मसाले अब ऑयल छोड़ रहे हैं, और यहाँ देखिए मसाले बिल्कुल ऑयल छोड़ दिए हैं, मीन्स इसमें से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो गया है। तो मैं इसमें ज़रा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ, और यहाँ मसाले भून गए हैं, तो मैं इसमें छोले डाल दे रही हूँ। और मैं बॉईल करने से मैं कुछ खड़े गरम मसाले डाली थी ना, तो मैं बस वही निकाल रही हूँ, और फिर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। और फिर इसमें अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैं पानी डाल दूँगी,
और यहाँ पे मैं तोरी की सब्ज़ी में भी प्याज डाल दे रही हूँ। और फिर इसे जैसे थोड़ी सी तोरी सॉफ्ट हो जाती है ना, उसमें तब हम प्याज डालते हैं, तो मैं प्याज डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिला के और फिर मैं इसे ढक दूँगी। और अब मैं यहाँ पे छोले में ज़रा सा आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ फ्लेवर आने के लिए, थोड़ी सी खट्टा फ्लेवर आने के लिए, क्योंकि मैं टमाटर नहीं डाली हूँ इस वजह से। और मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डालूंगी, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोले में। तो बस ये ऑलमोस्ट मेरी जो छोले ना वो रेडी हो गई, इसमें बॉयल आने लगा है, तो मैं इसमें लास्ट एक हरी मिर्च और धनिया पत्ती ऐड कर दे रही हूँ और छोले मेरी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे मैं कचौड़ी के लिए फिलिंग्स तैयार कर रही हूँ। तो आलू मैंने बॉयल कर लिया था, उसे मैश कर ली हूँ मैं, और उसमें कुछ मसाले डाल दे रही हूँ मैं जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं पाउडर के। और फिर मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ जो कि मैं बारीक कट करके रखी हूँ, और हरी मिर्च, अदरक और फिर लहसुन, इसे तो लहसुन को मैं अभी कट कर ले रही हूँ, और इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर हो तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल देना, मेरी ख़त्म हो गई थी जब मैं छोले में डाली थी तो, और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दे रही हूँ और फिर नमक डाल देंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक और चीज़ जिसमें मैं अभी डालने वाली हूँ वो है कलंजी, जिसे हम लोग मंगरेल बोलते हैं हमारे साइड में, हमारे यूपी बिहार में बोलते हैं, और उसे कलंजी भी बोलते हैं। तो मैं उसे डालती हूँ और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कचौड़ी हो या पराठे हो, इन दोनों की जब हम लोग आलू की बनाते हैं। और इसे मैं इस यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और अभी हमारी फिलिंग्स रेडी हो गई है। तो मैं यहाँ पे पुआ के लिए बैटर तैयार कर ले रही हूँ। ये सारे चीज़ हमारे यहाँ बनते हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हमारे यूपी बिहार में ये ज़रूर ही बनता है। तो और यहाँ पे मैं सूजी, मैदा और चीनी, ये इन सबको मैं ले रही हूँ, मन शक्कर, और फिर मैं इसमें थोड़ा दूध डाल दे रही हूँ और फिर इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे जब तक कि पूरा स्मूथ इसका बैटर तैयार नहीं हो जाए, और उसके बाद फिर हमारी पुआ की जो बैटर है वो रेडी हो जाएगी। और वन ऑफ माय फेवरेट है ये पुआ, मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, जब भी मैं बनाती हूँ वो लोग बहुत प्यार से खाते हैं, और ये सब तो कभी कभी ही बनाना होता है तो इस वजह से। और किसका किसका पुआ फेवरेट है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस बैटर को मैं अच्छे से बस तैयार कर ले रही हूँ, बस थोड़ा इसे ज़्यादा हमें फैटना होता है, और इस अगर हम लोग जितना अच्छा फैटेंगे पुआ को ना वो उतना अच्छा खिल के बनता है। तो यहाँ पे मैं गैस पे कढ़ाई रख दी हूँ और मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ पुआ को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ ऑयल गर्म हो गई है और फिर मैं इसमें कलछुल के हेल्प से इसमें पुआ का बैटर डाल के फिर मैं इसे पुआ बना लूँगी। और यहाँ पे मैं पुआ फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी सारी पुआ मैं तल ली हूँ और अब मैं कचौड़ी फ्राई कर रही हूँ।
तो बस मैं स्टार्टिंग का कचौड़ी का नहीं दिखाई हूँ कि मैं कैसे फिल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी फिल भी कर रही हूँ और 3 कचौड़ी मैंने कढ़ाई में भी डाल रखा है। जब तक कचौड़ी मेरी फ्राई होगी तब तक मैं इधर और कचौड़ी को फिल करके रख लूँगी। तो इस तरीके से मैं सारे पकवान, मीन्स मैं 2 ही टाइप की ये पकवान बनाई थी, हाँ, और पूरी भी मैं फ्राई की थी। तो यहाँ ये रहा, रेडी हो गया हमारा कचौड़ी। हमें कचौड़ी बिल्कुल मीन्स मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि पूरी अच्छे से ये सिक जाए अंदर तक। और इस तरीके से मैं सारी कचौड़ी को मैं बना लूँगी। और अभी मेरा किचन का सारा काम हो गया है, बनाना हो गया, खाना भी हो गया और किचन भी क्लीन हो गया। यहाँ देखिए मिस शिवांगी को, इनका एग्जाम है बट स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है। क्या दूसरा कुछ पढ़ाइए ना, नुमेरी दिए लिख। हाँ हाँ, आजकल खेल से फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि स्टडी हो। क्या कभी फ्रेंड के घर जाना है, कभी फ्रेंड आती है तो उनके साथ उनके घर जाना है, और खेल के 8 बजे आना है। और मैं गैस पे चाय रखी हूँ क्योंकि शाम में हम लोग चाय नहीं लिए थे, तो मैं सोची कि चलो खाना वाना खाने के बाद ही चाय पियेंगे। तो चलिए मैं चाय चेक कर लेती हूँ। मैं भी चाय, ओए कॉपी कैट शिवांगी, मेरी कॉपी कैट हो गई है। और यहाँ चाय उबल रही है और यहाँ दूध बॉयल करने के लिए मैं रखी लूँगी। और कल तो फास्टिंग रहना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फास्टिंग होता है कल का। कुछ भी, इवन हम लोग ब्रश तक नहीं करते हैं और कुछ भी ऐसा काम नहीं करना होता है, हेयर कॉम नहीं करना होता है, कुछ भी मेकअप नहीं, मतलब फास्टिंग है, ऐसा नहीं है, बस फास्टिंग रहना है। और ये मोस्टली बच्चों के लिए हमारे साइड में किया जाता है। और बहुत ही कल डिफ़िकल्ट होने वाला है, बस भगवान का नाम लेना है और सब कुछ, बस कल का दिन अच्छे से निकल जाए। क्योंकि भाई ना फास्टिंग में मेरा माइग्रेन ना बहुत हैक्टिक कर देता है मेरा फास्टिंग, तो मैं रात में सोने से पहले दवा लेके सोऊंगी। और यहाँ पे मैं बना के रखी हूँ, तो ये रात में मुझे बाहर निकाल के रखना है, प्लेट व्लेट में डाल के, सब्जी हो गया, पुआ हो गया, फ्रूट्स वगैरह। ये तो सर्गी के लिए 3 बजे हम लोग उठते हैं, बट इस बार पता नहीं सभी लोग कुछ बोल रहे हैं कि कुछ अष्टमी चढ़ जा रहा है या कुछ, तो नहीं कर सकते हैं, रात में करना पड़ेगा इस वजह से। सो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और फिर आप लोगों से बातें करते हैं। थोड़ी देर मैं शिवांगी को पढ़ाऊंगी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, थोड़ी देर पढ़ाऊंगी क्योंकि वो लोग भी खा लिए, तो थोड़ा बहुत बस वो लोग दूध पियेंगे और हम लोग फ्रेंड्स। और अभी मैं पूजा के लिए लेट रेडी हो गई हूँ और लेट भी हो रही है, तो आज ज्योत पुत्रिका का पूजा है, तो बस नहा के बस हेयर कॉम नहीं करना है, थोड़ा बहुत मैंने क्रीम वगैरह लगा लिया है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, वहाँ पे पॉसिबल हो तो मैं वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ देखिए बच्चे, हाँ चलिए फिर आते हैं, तो फिर घर पे पूजा करूंगी मैं और फिर मैं आप लोगों से बातें।
और मेरी पूजा हो गई है और अभी ऐसे ही मुझे रहना है। कल सुबह में व्रत खोलना है और सूर्योदय होने के बाद। तो और ये देखिए अभी मैं पूजा करके आ रही हूँ, तो वहीं पे बस सिंदूर वगैरह हम लोगों ने नोज से लगा लिया है। और ये देखिए मिस यूनिवर्स आ गई, बस पोज महारानी है, बस पोज देते रहते हैं क्या। हो गया इतने पोज नहीं देते। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। कल से ये ब्लॉग चला आ रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और मैं ना ये वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ, बस ऐसे ही नहीं है कि हाँ अब वीडियो बनाया डाल दिया। इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत भी करनी होती है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। और मैं भी और एफर्ट्स मैं दे रही हूँ अपना। एंड अभी थोड़ा सा मैं इधर YouTube पे रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बच्चों के थोड़े से क्लासेस हैं और मीन्स एग्जाम है ना, इस वजह से मैं इन लोग पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। तो इस वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और वो टाइम मैं बच्चों को स्टडी में बस देना चाह रही हूँ। फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ आज इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। और आप सभी को हैप्पी ज्योत पुत्री का व्रत। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।